हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में बार बार बनाई जाती है। हर बार हम चाहते हैं कि कुछ अलग तरह से इसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चार तरह की भिंडी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। चारों ही रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी से। पहले हम बनाएंगे भिंडी मसाला। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह देख लेते हैं। मैंने लिए 200 ग्राम भिंडी, जिसे 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। ये भिंडी मैंने पहले से ही धोकर अच्छी तरह सुखा ली थी। एक प्याज को बारीक काट लिया है और एक टमाटर को भी बारीक काट लिया है। सूखे मसालों में लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। नमक लिया है, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच भरकर मैंने दही लिया है, ये खट्टा दही नहीं है, थोड़ा क्रीमी दही है, और 2 छोटे चम्मच भरकर मलाई ली है, ये रेगुलर मिल्क क्रीम है, 1/4 चम्मच जीरा और अजवाइन का मिक्स चाहिए, हींग चाहिए और चाहिए कुकिंग ऑयल। इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने देंगे। उसमें 5-6 चम्मच तेल डालेंगे। तेल उतना ही लेना हमें जिसमें भिंडी को हम स्टेयर फ्राई कर सकें। मैं भिंडी को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल देंगे। भिंडी हमारी रेडी है। अब बचे हुए तेल में हम अजवाइन और जीरा का मिक्स डालेंगे। अगर तेल की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो आप थोड़ा निकाल सकते हैं। उसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और लाल मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद हमें तुरंत ही प्याज डालना है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। गैस को अब मैं लो कर रही हूँ और प्याज को थोड़ी देर तेल में भून लेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें बाकी के ड्राई मसाला डाल लेंगे और इसे भी तेल में थोड़ी देर भून लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटर को भी तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेना है। टमाटर को हमें पूरा गलने तक पकाना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम ढक के पका लेंगे। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तेल सेपरेट हो चुका है और सारी चीजें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। चम्मच से मसाले को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। अब मैं फ्लेम को हाई कर रही हूँ और इसमें अब दही ऐड कर रही हूँ। क्रीम को भी ऐड कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करिए, वरना दही में लम्स बन जाएंगे। और इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 1/2 से 1 मिनट और पका लेते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें तली हुई भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें भिंडी को ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई की हुई है तो ये पक चुकी है लगभग। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर एक उबाल आने तक पका लेंगे। कंसिस्टेंसी आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से ही पानी डालिए। ये देखिए, भिंडी में उबाल आ गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ मैं। और ये रेडी हो गई है हमारी भिंडी मसाला की सब्जी। जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। नेक्स्ट मेरी जो रेसिपी है वह है दही भिंडी की। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिए 1 पाव भिंडी, जिसे पहले से ही धो लिया था मैंने,
और इसे एक इंच के टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याज को बारीक काट लिया है। एक टमाटर बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ये एक छोटा चम्मच भर के है। ड्राई मसालों में है हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। दो सौ ग्राम दही लिया है, ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है। और चाहिए कुकिंग ऑयल। गैस चालू कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई जब थोड़ी गर्म हो जाएगी तो उसमें हम 4-5 बड़े चम्मच भरकर तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें भिंडी को डालकर हमें फ्राई करना है। भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए भिंडी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। इसे पलट कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसे अब तेल से अलग कर लेंगे। ये देखिए एकदम गोल्डन हो चुकी है ये। और बचे हुए तेल में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज लगभग भुन चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और उसे भी मिक्स कर थोड़ी देर पकाएंगे। इसको ढक कर पका लेते हैं ताकि जल्दी से टमाटर गल जाए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए टमाटर थोड़ा पक चुका है। अब इसमें अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सारे मसालों को हमें तेल में थोड़ी देर भून लेना है। इसे ढककर लो फ्लेम पर लगभग आधा से एक मिनट पका लेंगे। ये देखिए तेल सेपरेट हो चुका है और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। टमाटर भी पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मैं लो फ्लेम पे ऐड कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं रखा है इसे। इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे और ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए दही का पानी थोड़ा सूख चुका है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे, इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए तो दही का पानी थोड़ा और सुखा लेते हैं। ये देखिए करी अब थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है भिंडी ऐड करने के लिए। तो अब हम इसमें तली हुई भिंडी भी मिला लेंगे और सारी चीजों को थोड़ी देर पका लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर ही मैं थोड़ी देर पका रही हूँ। भिंडी को हम पहले से फ्राई कर चुके हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में। इसे सिर्फ मसाले के साथ थोड़ी देर भूनना है और ये खट्टी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे। इसे भी आप पराठे, नान, फुलकों के साथ सर्व कीजिए। ये भी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है भिंडी की। अगली जो रेसिपी है वह भिंडी करी की। ये तरी वाली यानी कि ग्रेवी वाली भिंडी बनती है जिसे आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी ली है जिसे अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया था और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक टमाटर लिया है, मीडियम साइज टमाटर है ये। 5 से 6 लहसुन की कली चाहिए। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक प्याज लिया है, ये मीडियम साइज प्याज है। और ये मैंने मेथी और अजवाइन के दाने लिए हैं, 1/4 चम्मच से भी कम है दोस्तों, ये जस्ट फ्लेवर के लिए चाहिए हमें। ड्राई मसालों में 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है,
आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है और ये मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। नमक चाहिए हमें, मैं अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप नींबू का रस या फिर इमली भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस चालू कर लेंगे और उस पर एक कढ़ाई को गर्म होने रखेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है, इसमें अब 5-6 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। फ्रेंड्स तेल हमें उतना ही लेना है जिसमें भिंडी को हम शैलो फ्राई कर सके। और तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें भिंडी के टुकड़े डाल दीजिए। तो ये सारी भिंडी के टुकड़े डालिए और इसे अब हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक भिंडी फ्राई हो रही है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें प्याज को बारीक काट के डाल लेंगे, टमाटर को भी चॉप करके डालेंगे, अदरक और लहसुन को भी ऐड कर लेंगे। इसे अब हमें बारीक पीस लेना है। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है इसका और भिंडी भी लगभग फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया और एकदम गोल्डन दिख रही है। ध्यान रहे दोस्तों, भिंडी को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है वरना जब हम इसमें पानी डालेंगे तो उसमें लेस आ जाएगा। अब बचे हुए तेल की क्वांटिटी अगर आपको ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आप अलग कर सकते हैं। तेल में अब हम मेथी और अजवाइन मिलाएंगे और ये जो पाउडर्ड मसाले हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। मेथी भी काली हो चुकी है, अब हम इसमें ये पेस्ट मिला लेंगे। इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर इसी तरह भून लीजिए। फ्रेंड्स मैंने फ्लेम को शुरू से ही लो रखा था क्योंकि कढ़ाई और तेल दोनों चीज गर्म है तो मसाला हमारा जले ना, इसलिए लो फ्लेम पर इसे कुक कर रही हूँ। इसे आधा से एक मिनट तक इसी तरह भून लीजिए, फिर इसमें हम पेस्ट मिलाएंगे। तो ये टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लीजिए। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ और इस मसाले को हमें पानी सूखने तक भूनना है। तो करीबन 1-2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भून लीजिए। टमाटर का पानी पूरी तरह सूख जाना चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, मसाले को थोड़ा देर और भून लेंगे। आप मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, इसमें अब हम ये तली हुई भिंडी मिला लेंगे। इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लीजिए। और फ्रेंड्स अब इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें अब मैं पानी मिला रही हूँ। तो मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है, इसे हाई कर दिया है और एक ग्लास में इसमें पानी डाल रही हूँ। करी की कंसिस्टेंसी आप चेक करके पानी मिलाइए, मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए और अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो करीबन आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। अगर आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सा नींबू का रस या फिर थोड़ा सा इमली का पानी डाल सकते हैं। और इस करी को अब हम सिर्फ एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है ग्रेवी वाली भिंडी, इसे राइस, स्टीम राइस, जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। बढ़ते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ। ये हम बनाने वाले हैं सूखी भिंडी यानी कि भिंडी फ्राई, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, पराठों के साथ, फुलकों के साथ खाइए इसे। तो चलिए देखते हैं इसे। ये मैंने 250 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा भिंडी ली है, करीबन 350 ग्राम भिंडी होगी, जिसे मैंने थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है। एकदम बारीक मत काटिए भिंडी को, थोड़े से बड़े टुकड़े रखेंगे। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये ऊपर और नीचे का भाग हम भिंडी का अलग कर लेंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से इसे काटना है हमें। आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े से मैं बड़े टुकड़े काट रही हूँ। तो हमें सारी भिंडी को इसी तरह से काट लेना है।
एक भिंडी से अब मैंने 4 से 5 टुकड़े निकाले हैं, तो इस प्रकार से आप सारी भिंडी को काट लीजिए। और एक मैंने प्याज लिया है, ये देखिए प्याज को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है, थोड़े मोटे टुकड़ों में काटा है। इसे एकदम बारीक मत काटिए क्योंकि इसे हम भिंडी के साथ पकाने वाले हैं और ये एकदम से जलना नहीं चाहिए। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें अब डालेंगे 3-4 चम्मच तेल। फ्रेंड्स थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि हम इसे थोड़ा फ्राई करने वाले हैं, और तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे सरसों दाने। तो ये 1/2 चम्मच मैंने सरसों के दाने यानी राई डाली है, और जैसे ही राई फूटने लगे हम मिलाएंगे इसमें थोड़ी सी हींग। तो ये देखिए मैंने एक चुटकी भर हींग डाल ली है, हींग को भी थोड़ी देर कुक होने देंगे। अब इसमें डाल लेते हैं भिंडी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ऑयल में। दोस्तों फ्लेम को हम हाई रखेंगे, लो फ्लेम पर नहीं बनाएंगे इसे अभी, तो हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेना है। ये देखिए भिंडी पर निशान आना शुरू हो गए और ये भुनना शुरू हो गई है। अब इसमें मिला लेंगे प्याज और दोनों चीजों को हम मिक्स कर साथ में भुनने देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2-3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद ये देखिए बीच में मैं इस तरह से इसे मिक्स करते जा रही हूँ। भिंडी और प्याज करीबन 50% कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई स्पाइसेस। तो मैंने ये 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला चाहिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें, और ये मैंने लिया है पाव भाजी मसाला। फ्रेंड्स इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करने से भिंडी का टेस्ट और भी स्वादिष्ट हो जाता है, एकदम चटपटा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो हम ये सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लीजिए और इसको अब हम मिक्स करेंगे भिंडी में। तो ये देखिए इस तरह से भिंडी पे स्प्रिंकल कर लीजिए और इसे टॉस करते हुए मैं मसाले में कोट कर ले रही हूँ। स्पून का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इससे भिंडी टूटने लगती है। तो इस तरह से टॉस करते हुए हम मसाले को भिंडी में मिला लेंगे। फ्रेंड्स भिंडी हमारी 60-70% कुक हो चुकी है, बस इसे अब हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। तो फ्लेम को अब हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इसे लो मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। तो इसे कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक के लिए हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देते हैं ताकि भिंडी अंदर तक पक जाए और प्याज में हमारी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट तक इसे ढककर पकाने के बाद अब हम इसे ओपन पैन में पकाएंगे। तो एक बार इसे मिक्स कर लीजिए, ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को बढ़ा लेंगे। तो मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। और दोस्तों भिंडी अब लगभग पक चुकी है, अब इसमें मिला लेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लीजिए और 2 चम्मच भरकर इसमें हम डालेंगे बेसन। दोस्तों बेसन डालने से भिंडी में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वह ये सोख लेता है और थोड़ा क्रिस्पी भी बना देता है भिंडी को। फ्रेंड्स बेसन डालने के बाद हमें इसे बस 1-2 मिनट तक और भूनना है क्योंकि ये लगभग पक चुकी है। तो फ्रेंड्स बस बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए इसे 2 मिनट के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा और भून लेंगे। भिंडी हमारी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स एकदम चटपटी भिंडी है ये। दोस्तों इसे नाश्ते में बनाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है बनाने में और एकदम आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चारों भिंडी रेसिपी पसंद आएगी। कोई भी रेसिपी ट्राई कीजिए। तो आप जो भी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आने वाले और भी ऐसे इजी टेस्टी वीडियोस देखने के लिए द होम मिनिस्टर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।